सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है भूमिका और अभी आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे आंत्रपुच्छ शोथ यानी अपेंडिसाइटिस के लिए दो घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, अपेंडिसाइटिस में असहाय दर्द उठा हो और डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन करवाने की सलाह दे दी हो, ऐसी परिस्थिति में भी मिट्टी भिगोकर अपेंडिक्स से प्रभावित हिस्से पर रखें तथा थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें एवं 3 दिन तक निराहार रहें। चौथे दिन आधी कटोरी मूंग का पानी, पांचवे दिन 1 कटोरी, छठे दिन 1 कटोरी मूंग व सातवें दिन शुदा अनुसार मूंग खाएं। आठवें दिन मूंग और चावल का आहार लें तथा 9वें दिन से सब्जी रोटी खाना प्रारंभ करें। इससे अपेंडिक्स मिट जाएगा व जीवन में फिर कभी नहीं होगा। दूसरा उपाय, 3 मिनट प्रतिदिन पाद पश्चिमोत्तानासन करने से कुछ ही दिनों में अपेंडिक्स मिटता है। भोजन से पहले अदरक, नींबू एवं सेंधा नमक खाने से भी अपेंडिक्स में लाभ होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।